मेरे परिवारजनों, आपका सपना, आपका सपना, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। और मोदी के लिए तो आप ही उसका परिवार है, जो कुछ है सब आप ही हैं मेरे लिए। मेरा संकल्प है हर गरीब, दलित, पिछड़े, हर परिवार तक जीवन की मूल सुविधाएं पहुंचे। कोई भी जरूरतमंद सरकार की योजना से वंचित न रहे, इसके लिए देश में अब भारत सरकार आपके गांव आ रही है। 15 नवंबर से देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है। भरतपुर के गांव गांव से भी चुनाव के बाद ये यात्रा गुजरेगी। पीएम आवास हो, गैस कनेक्शन हो, जल से के लिए पानी की व्यवस्था हो, मुफ्त इलाज का प्रबंध हो, बीमा हो, पेंशन का प्रबंध हो, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ जिन्हें अब तक पहुंचा नहीं है, उनके लिए सुविधाएं पाने का ये नया अवसर सरकार आपके घर आंगन आकर के देने के लिए योजना मोदी लेकर के आया है। साथियों, साथियों, ये इतिहास गवाह है, हर पल गवाह है, हर इलाका गवाह है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो हर लाभार्थी तक पहुंचती है, शत प्रतिशत लाभार्थी तक पहुंचती है। मोदी ने आपके राशन कार्ड को भूख से मुक्ति का गारंटी कार्ड भी बना लिया। किसी भी गरीब परिवार को रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ये बेटा, आपका ये भाई दिल्ली में आपका सेवक बन करके बैठा है। मोदी ने तय किया है कि मुफ्त राशन की योजना, आप सबको याद होगा, जब कोविड की बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था, मौत मंडरा रही थी, अस्पतालों में मरीज से ज्यादा मृतदेह नजर आते थे, परिवार भी चिंता में दबे हुए थे, अगर मां बीमार है तो बेटे को कहती थी, बेटा मेरे कमरे में मत आना, जो होगा सो होगा। बेटा बीमार होता था तो मां को कहता था, मां मैं सहन कर लूंगा, तुम कमरे में मत आना, कहीं तुम्हें बीमारी न लग जाए। हर परिवार में मौत दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, वैसी हालत हो गई थी। कौन बचेगा, कौन चला जाएगा, भय का वातावरण था। दुनिया ठप पड़ी थी, व्यापार रोजगार पर मुसीबतें आई थी, और तब ये मोदी जो गरीब की मां के बेटे के रूप में जब आपकी सेवाओं में बैठा है, उसने सोचा कुछ भी हो जाए, गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, मेरे देश का कोई बच्चा भूखा न सो जाए, मेरी कोई मां बच्चों की भूख देखकर के आंसू पीकर रह न जाए। इसलिए हमने निर्णय किया था, अन्न के भंडार खोल दिए थे, मुफ्त राशन दिया था,
हर परिवार को मुफ्त राशन देना शुरू किया। आज भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी ने संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि मुफ्त राशन वाली योजना अगले 5 साल तक चालू रहेगी। अब किसी परिवार को भोजन की थाली की चिंता नहीं रहेगी, इतना बड़ा पवित्र कार्य करने का निर्णय किया है। मुझे बताइए भैया, राजस्थान के लोग तो वीरता से भरे हुए लोग हैं। जब ऐसा काम करते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताइए, माताएं बहनें बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अब 5 साल के लिए गरीब के घर में चूल्हा जलता रहेगा, बच्चे को रोटी मिलेगी, क्या पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये किसको मिलेगा ये पुण्य? किसको मिलेगा ये पुण्य? किसको मिलेगा ये पुण्य? आपको मिलेगा। ये पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने वोट देकर के मोदी से ये पवित्र काम करवाया है, और इसलिए ये पुण्य के अधिकारी आप हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी भी देखिए कमाल की पार्टी है। गरीब को मुफ्त राशन से कांग्रेस बहुत तिल मिलाई हुई है, गुस्से में है, और इसलिए कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को जाकर के मेरे खिलाफ इतनी बड़ी चिट्ठी देकर के आ गई है, अदालत में जाने के धमकियां दे रही है। अरे गरीब के रोटी खिलाने में जेल भी जाना पड़े तो क्या होता है जी, चले जाए।